100 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 का कुछ पता नहीं लग सका है। दोपहर 12:27 पर असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका के लिए टेक ऑफ किया था। आखिरी बार 1 बजे एयरक्राफ्ट ने ATC से कांटेक्ट किया और इसके बाद से ही इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा। एयरक्राफ्ट में 8 वायु सैनिकों समेत 5 सामान्य नागरिक थे जो एयरफोर्स से ही जुड़े थे। परिवार वालों को अपने घर जिगर के टुकड़ों के सही सलामत वापस लौट आने का इंतजार है। एयरफोर्स भी अपने सैनिकों की तलाश में जी जान लगाए हुए है। जिस AN-32 के अरुणाचल प्रदेश के मेचुका एयरफील्ड पर लैंडिंग का इंतजार हो रहा था, उस पर जो लोग सवार थे उसमें ऑफिसर्स की रैंक से लेकर वारंट ऑफिसर तक सब मौजूद थे। इन 13 वायु सैनिकों के नाम हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहित गर्ग, विंग कमांडर चार्ल्स, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहंती, फ्लाइट लेफ्टिनेंट आशीष नवर, स्क्वाड्रन लीडर विनोद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट थापा, सार्जेंट अनु, कॉर्पोरल शारिन, वारंट ऑफिसर के मिश्रा, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन LAC पंकज, LAC SK सिंह, NC राजेश कुमार और पुताली। NC यानी नॉन कॉम्बेटेंट एनरोल्ड, ये लोग वायुसेना का ही हिस्सा होते हैं और असैन्य रोल के तहत अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट आशीष तंवर, जो हरियाणा के पलवल के रहने वाले हैं, इसी एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे। उनकी पत्नी संध्या, जो खुद भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट की रैंक में है, उस दिन बतौर ATC ऑफिसर जोरहाट एयरबेस पर ही तैनात थी। संध्या और आशीष की शादी पिछले साल ही हुई थी और 1 साल बाद ही उन्हें नियति ने अलग कर दिया। संध्या के लिए पल और भी दर्दनाक बन गया क्योंकि उन्होंने अपने पति के एयरक्राफ्ट को रडार से गायब होते देखा। इस खबर को सुनकर आशीष के घर वालों का बुरा हाल है। उनकी मां रो रो कर यही कह रही है कि कोई उनके बेटे को वापस ला दे। वहीं आशीष की तरह ही 27 साल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहित गर्ग के परिवार वाले भी अपने बेटे की सकुशल वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। मोहित पटियाला जिले के सामना टाउन के रहने वाले थे। मोहित के पिता सुरेंद्र गर्ग और उनके भाई ऋषि गर्ग इस खबर को सुनते ही असम के लिए रवाना हो गए। मोहित के चाचा प्रेमपाल ने कहा कि उनके पिता को टीवी चैनल्स के जरिए एयरक्राफ्ट के गायब होने की जानकारी मिली, जिसके बाद मोहित की पत्नी आस्था को फोन किया गया। आस्था ने IAF अथॉरिटीज को कॉल करके जानकारी मांगी और तब उन्हें पता लगा कि मोहित भी इसी एयरक्राफ्ट पर सवार थे। इसके बाद आस्था ने घर वालों को जानकारी दी। मोहित की शादी भी पिछले साल फरवरी में ही हुई थी। उनके घर वाले भी अपने बेटे की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग में स्थित मेचुका एयरफील्ड चीन की विवादित सीमा से बस 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मेचुका एयरफील्ड के आसपास काफी घना जंगल है और ये जगह समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। मेचुका एयर स्ट्रिप को एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG भी कहते हैं। इस एयर स्ट्रिप का प्रयोग मुख्य तौर पर IAF असम से आने वाली जरूरी सामानों की सप्लाई यहां के लोगों तक करने के लिए करती है। एयर स्ट्रिप पर AN-32 के अलावा हेलीकॉप्टर्स के लैंड कराने की भी सुविधा है। इसके रनवे को साल 2017 में बढ़ाकर 4700 फीट किया गया था। इसके अलावा इसका जरूरी रेनोवेशन भी हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।